नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के 10 एमसीक्यू। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है तो अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 13 जनवरी, ऑप्शन सी 12 जनवरी, ऑप्शन डी 15 जनवरी। 10 सेकंड लीजिए और बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ओके, ऑप्शन ए 12 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 नवंबर, ऑप्शन सी 18 दिसंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड लीजिए और सोचिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 नवंबर। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ओके, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए और बताइए बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 10 सेकंड बाद देखेंगे सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में बाल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इनको चाचा नेहरू भी कहते थे, कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस किस रूप में मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी बाल दिवस, ऑप्शन सी विधि दिवस, ऑप्शन डी डॉक्टर दिवस। तो भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस किस रूप में मनाया जाता है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस के रूप में प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है शिक्षक दिवस। अगला क्वेश्चन है बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मजदूर दिवस, ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस, ऑप्शन सी महिला दिवस, ऑप्शन डी शहीद दिवस। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए और बताइए बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है, फिर देखते हैं सही उत्तर।
चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का संबंध बीटिंग द रिट्रीट से है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, गणतंत्र दिवस। ओके अगला क्वेश्चन। हाँ, निम्नलिखित में से किसका जन्मदिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ओके ऑप्शन देखिए, डॉक्टर विधान चंद राय, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किनके जन्मदिन को डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर विधानचंद राय। डॉक्टर विधानचंद राय के जन्मदिवस को डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। ओके ठीक है, ऑप्शन ए डॉक्टर विधानचंद राय के जन्मदिवस को डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। ओके चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ओके ऑप्शन ए रूप सिंह, ऑप्शन बी जयपाल, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। ठीक है चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा जाल डाकघरों का भारत में पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग, ऑप्शन ए 1.2 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख, ऑप्शन सी 1.7 लाख, ऑप्शन डी 1.9 लाख। ठीक है लगभग पूछा है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है तो भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। ओके ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो के पूरे होते हैं 10 क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।